हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल टैलेंटेड रितु इंसान। गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे स्लिट कट कुर्ती की स्टिचिंग जो मैंने पहनी हुई है। दोस्तों, आप ध्यान से देखना, मैं बहुत आसान तरीके से आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। दोस्तों, मैंने ये दोनों पार्ट कट कर लिए हैं, फ्रंट और बैक। मैंने इस कुर्ती की कटिंग, जैसे कि इसका तीरा मैंने बैन नेक के हिसाब से कट किया है, और बाकी सिंपल कुर्ती हम जैसे कट करते हैं उस तरह से हमने कट कर लेनी है। लेकिन इसका तीरा मैंने बैन नेक के हिसाब से कट किया क्योंकि मैंने इसका बैन नेक बनाना है। साइड में ये पट्टी मैंने 6 इंच की ली है जो हम इसके स्लिट में लगाएंगे। तो इसको मैंने सेंटर पार्ट से कट कर दिया है। ये हमारी दो पट्टियाँ हो जाएंगी जो 3-3 इंच की होंगी। इसकी लेंथ हमें कुर्ती के लेंथ के अकॉर्डिंग ही रखनी होती है, जितनी है। हम मैंने थोड़ी सी ये कम पड़ गई थी, तो ये हमारी जैसे कि ऊपर से हम 3-3 इंच का कट लेंगे जो उसके हिसाब से कम चल जाएगा। हमने इन में से एक पट्टी को ले लेना है, एक एक पट्टी करके लगाएंगे। इससे पहले हम जो हमारा एक हिस्सा है इसको बीच से कट कर देंगे। हमने फ्रंट हिस्से को सेंटर से कट कर देना है। उसके बाद हम एक जो पट्टी 3 इंच की है डबल फोल्डेड में नीचे की तरफ लेके जाएंगे, और एक पट्टी को हम ऊपर की तरफ लेकर आएंगे। तो हमें दोनों पट्टियों को इस कट के सेंटर में लगा देना है। इसको हम जैसे कि नीचे लगाएंगे और ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने जो फ्रंट हिस्सा था वो ले लिया है। अब हम बैन के लिए कटिंग करेंगे। तो 3 हमने ऊपर से ब्रॉड लिया है और 3 हमने ही नीचे लिया है। तो इसकी हल्की सी राउंड शेप दे दी है और इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। ये हमें होल बनाना होता है जो हम बैन नेक लगाएंगे उसके लिए। तो हमने इसको सेंटर पार्ट से अलग अलग किया दोनों हिस्सों को, और जो हमारा एक हिस्सा है इस पर हम डबल फोल्ड पट्टी करके लगाएंगे जो हमने 3 इंच की ली थी। जो हमारा राइट हैंड वाला हिस्सा है उस पर हम डबल फोल्डेड पट्टी लगा रहे हैं। हमने पूरे पर इसको स्टिच कर देना है। हमने पूरे पर सिलाई लगा ली है। उसके बाद हम नीचे वाले कपड़े को बाहर की तरफ टर्न करेंगे और इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल कन्नी कन्नी पर हमने ये सिलाई लगानी है। उसके बाद हमने एक कच्ची सिलाई भी लगानी है इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके। ये मैं बाद में लगाऊंगी। उससे पहले हमने जो दूसरी साइड वाली पट्टी है उसको हमने लगाना है। हमने सिंगल रखना है इस पट्टी को और उल्टी तरफ रखना है। इस पर भी हम पूरे पर सिलाई लगा देंगे और उसके बाद बाहर की तरफ टर्न करके इसको फोल्ड कर देंगे। हमने पूरे पर कच्ची सिलाई लगा देनी है अंदर की तरफ फोल्ड करके। और जैसे कि हमने ये सिलाई लगा ली तो मैंने इसको थोड़ा सा खोल लिया क्योंकि मैंने अंदर की तरफ सिलाई लगा के गुम करना है इसको। तो हमने इस तरह से जहाँ पर हमने कट लगाया है उसको बिल्कुल सेंटर में लेते हुए इसको फोल्ड करना है और इसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगा लेनी है।
हम ये सिलाई वहाँ तक लगाएंगे जहाँ तक हमारी स्टिच पहले लगी हुई है, इनके एक डेढ़ पैर की दूरी तक। अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके ये हमने सिलाई को गुम कर दिया है। किसी पेचकस या नुकीली चीज़ की मदद से हम इसको अच्छे से सेट करेंगे और यहाँ पर एक कट लगा लेंगे ताकि हमारी जो बैन कॉलर है वो अच्छे से लग कर आए। अब इसको हमने जहाँ से सिलाई को उधेड़ा था वहाँ से दोबारा से सिलाई लगा लेंगे। इसको हम कुछ इस तरह से रखेंगे और जितना ओपन हिस्सा हमने रखना है उतना ओपन हिस्सा रख के हम इस पर पूरे पर सिलाई लगा लेंगे। हमने नीचे तक सिलाई लगा देनी है। हम नीचे 12 इंच का ओपन हिस्सा छोड़ेंगे। हमने इसको इस तरह से रखकर इसके ऊपर चौका निशान लगा लेना है ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी जो ये लाइन है यहाँ तक आएगी, ताकि ऊंचा नीचा हमारा ये हिस्सा ना रहे। अब हमने जहाँ तक लेंथ नेक की ओपन रखनी है वहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। मैंने 7.5 इंच तक ओपन रखनी है तो मैंने 7.5 इंच पर निशान लगा करके नीचे पक्की सिलाई लगा देनी है। पूरे स्लिट में हम ओपन हिस्सा रखेंगे 12 इंच का नीचे। ये हमने सिलाई लगा ली थी उसके बाद हमने 12 इंच का निशान लगाया है जो कि 2 इंच हमारा नीचे फोल्ड होने में चला जाएगा और 10 इंच का हमारा स्लिट कट रह जाएगा। तो हमने यहाँ तक सिलाई पक्की कर लेनी है और उसके बाद नीचे वाला हिस्सा ओपन रख देना है। आप अपनी मर्जी के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब हम इसके शोल्डर स्टिच करेंगे। उससे पहले जैसे कि हमने यहाँ तक कर लिया है और इस पर हम नीचे की तरफ बटन लगा देंगे। ये हमने 7 इंच का ओपन हिस्सा रखा था, उसके लिए हमने बैक हिस्सा लेना है इसके शोल्डर स्टिच करने के लिए। और इस पर भी हम एक बार इसकी छटाई के निशान लगा लेंगे। हमने ऊपर की तरफ छटाई करनी है जैसे हमने फ्रंट हिस्से की थी। तो हमने जैसे फ्रंट हिस्सा 3 इंच पर निशान लगाया था तो बैक का भी हमने 3 इंच पर लगाया है चौड़ाई में, और 1 इंच हम नीचे की तरफ लगाएंगे। और अब हम इसकी राउंड शेप देकर इसकी कटिंग कर देंगे। इसकी कटिंग करने के बाद हम इसके शोल्डर स्टिच कर देंगे। जैसे हम नॉर्मल कुर्ती के शोल्डर स्टिच करते हैं इसी तरह इसके भी शोल्डर स्टिच कर देंगे। और इसके साथ ही अब हम इसका दूसरा शोल्डर भी स्टिच कर देंगे। यहाँ पे ऐसे रखते हुए हमने दोनों शोल्डर स्टिच कर देने हैं। इन पर हम सबकी सिलाई लगा देंगे। हम इस भी जैसे ही ये राउंड मापेंगे कि हमारा कितना हुआ है और साथ में इसकी फिटिंग लगा लेंगे। यहाँ से इसकी फिटिंग लगा लेंगे तो पहले हम इसका राउंड देखते हैं कि ये हमारा कितना हुआ। जब हम इसका राउंड मापे तो यहाँ से हम मापेंगे यहाँ से यहाँ तक और तो ये हमारा फ्रेंच का
प्रॉपर तैयार हुआ है। तो स्ट्राइज की हम इसमें बैंड कॉलर लगा, जैसे कि मैंने ये पेस्टिंग पेपर लिया है और ये इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 7.5 और लंबाई आप अपनी मर्जी से हिसाब से जितनी थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा कम ज़्यादा लेना चाहो ले सकते हो। तो इसको हम इस तरह से जैसे कि राउंड में घुमाएंगे, 3 इंच तक तो हम सीधा ही घुमाते हैं क्योंकि हमारे ये राउंड शेप जाती है ऐसे। ये हम इस तरह से इसकी राउंड शेप दे देंगे। अगर आपको इसकी कटिंग देखनी है तो मैंने पहले भी अपलोड कर रखी है, आप देख सकते हैं। तो जैसे कि अब हम इसकी जो 17 था हम यहाँ से मापेंगे, यहाँ से 17.5 और ऐसे ऐसे इंच शेप को घुमाते हुए चलेंगे और ऐसे और इस तरह से जहाँ तक हमारा ये निशान हुआ है, ये हमारी इसके सेंटर में हमें एक कट लगाएंगे, बिल्कुल दोनों को एक सर करते हुए हमने सेंटर में कट लगा लेना है। इसके बाद हम इसको उठाएंगे, ये जैसे कि हमने इस तरह से कट कर लिया था। अब हम इसके जो सेंटर पार्ट है यानी कि इस पर भी एक कट लगा लेंगे, जो हमारे ये ज्वाइंट है इनको जोड़ करके, और इस पर भी एक कट लगा लेंगे इस तरह से। कट लगाने के बाद जो हमारा ये हिस्सा है इसके ऊपर कट से कट मिलाकर हम एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से, ऐसे ताकि हमें सेंटर का पता चल जाए। ये हमें बीच में हमने एक सिलाई लगा ली है इस तरह से। उसके बाद अब हम ये जो हमारा हिस्सा है यहाँ से जैसे कि हमने सिलाई लगाई और इसको यहाँ से ऐसे और यहाँ तक इसको कंप्लीट कर देंगे। तो हमने यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है, ये जो हमने चौक का निशान लगाया है इतना हमने दबाना है। तो यहाँ से ऐसे अच्छे से सेट करके हम इसके ऊपर पक्की सिलाई लगाएंगे। तो दोस्तों हमने पूरे पर सिलाई लगा ली है
और हमने ये सिलाई यहाँ तक लगानी है जहाँ तक हमने ये हिस्सा गुम किया था आगे फ्रंट में एक इंच का, तो इस तक हमने ये सिलाई लगा देनी है। अब हम इसको टर्न करेंगे और पूरे पर अंदर की तरफ इस फैब्रिक को करते हुए पूरे बैंड पर सिलाई लगा देंगे। ये हमारा बहुत ही परफेक्ट बैंड बैठती है। तो इस पर पूरे पर सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमारा कुछ इस तरह से सेट होके आया है। दोस्तों ये बहुत ही सुंदर कुर्ती बनी थी, आपने देखी होगी। अगर दोस्तों आपको मेरा बताने का ढंग अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और दोस्तों इस पर हमने बटन लगाए हैं, मैं आपको पूरा रेडी होने के बाद इसको दिखाती हूँ। ये हमारा रेडी हो चुका है। तो ये छोटी सी क्लिप में मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और ऐसी ही नई नई वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।